दशहरा एवं ईद मिलाद उन नबी को लेकर कलेक्टर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रशासन एवं पुलिस ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं धार्मिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों से पर्व के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया। वहीं कांग्रेस ने नाइट कर्फ्यू हटाने की मांग रखी। जिला शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों और धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर करमवीर शर्मा एवं पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने सबसे आग्रह किया कि कोरोना संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन हर हाल में किया जाए। जिला स्तर में शांति समिति बैठक ईद मिलादुल नबी और दशहरा नवरात्रों को लेकर आयोजित की गई। इसमें सभी ने अपने व्यूज़ रखे हैं और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उनको कोरोना की गाइडलाइन से अवगत कराया गया है और आशा है सभी इसका पालन करेंगे। वहीं शांति समिति की बैठक के पूर्व कांग्रेस कमेटी ने बैठक में तय किए गए प्रस्ताव के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें पर्व के दौरान नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। सदियों से लोग नवरात्रि में रात भर देवी जी की आराधना में लगे रहते हैं और पंडालों में मंदिरों में जाके मैं परिवार के साथ ये दर्शन करते हैं और उसको उन्होंने कह दिया कि रात में 11 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अब आप सोचो, जब ऐसी चीज़ रहेगी तो कौन जाएगा उन पंडालों में दर्शन करने और भगदड़ मचेगी। सदियों से सुबह 4 बजे हमारी माताएँ बहनें मंदिर मढ़ियों में जल ढालने जाती हैं, 6 बजे तक तुमने कर्फ्यू लगा रखा है। एक तरफ तुमने भंडारे पर रोक लगा दी, हम लोगों ने उसको मान कर लिया, परंतु दूसरी तरफ तुम जो हमारे खाद्य पदार्थ जो भी हमारे, चाहे वो ठेला वाले हों दुकानदार हों, अगर वो बेचे हैं तो तुम उनको भगाने का काम कर रहे हो। और पर्दे के पीछे ये भी सौदा हो रही कि हम तुम्हारा ठेला बाजू में लगे रहना देंगे तुम हमारी, मतलब ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं, इस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी ने की है आज की। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पाबंदी जनता की भलाई के लिए है, लिहाजा कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा।